परंपरा कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन की राजधानी हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य के राज्य में, तो कभी भी उनके राज्य में कोई सुख विविधता आती थी तो वो खुद यहाँ पे आके पूजा किया करते थे और उससे विविधता दूर हो जाती थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि आज भी उज्जैन की सुख शांति के लिए उज्जैन के कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पे आके मदिरा का भोग लगाते हैं माता जी को, ताकि उज्जैन में सुख शांति बनी रहे पूरे उज्जैन की। ये पूरे ये यात्रा पूरे 27 किलोमीटर की रहती है, सभी मंदिरों में माता ये धार लगता है, 40 टोटल मंदिर है, माता की धार लगती हुई जाती है और इस पूजा का अंत होता है अनपात मार्ग में हांडी फोर्ट भैरव नाम का मंदिर है, वहाँ पे इस पूजा का अंत होता है हांडी फोर्ट भैरव। देखिए ये इतनी सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदि काल से चली आ रही है, ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से, शहर में जिले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस जिले के लोगों पे बरसता रहे। जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से यह पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो, शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। इस प्रकार की पूजा होती है क्या? ये कुछ परंपराएं हमारे देश में बनी हुई हैं, तो ये मदिरा पूजा होती है क्योंकि परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए पूरा होती है। कितने किलोमीटर की यात्रा? ये पूरी नगर में यात्रा है और 14 किलोमीटर की यात्रा है और ये बहुत पारंपरिक यात्रा है, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जो पुरानी परंपरा है, जो नीचे से लेके जो हमारे काम कोटवार से लेके कलेक्टर तक इस पूजा में शामिल होते हैं। धन्यवाद।